Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we will be discussing about autopsy, also called postmortem. Before moving forward, if you are new to the channel, so please subscribe to the channel, like the video and press the notification bell icon. Okay, so सबसे पहले हम जान लेते हैं कि autopsy या postmortem होता क्या है. Autopsy, also called necropsy, implies examination of a dead body. किसी भी डेड बॉडी के एग्जामिनेशन करना, डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना, हम उसे ऑटोप्सी बोलते हैं. और किस लिए की जाती है? विद अ व्यू टू सर्चिंग प्राइमरीली फॉर द कॉज ऑफ डेथ. हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति है जिसकी मौत हुई है उसका कारण क्या रहा है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेथ. इसीलिए ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम किया जाता है. ओके, सो एक बार और समझ लेते हैं कि क्या मतलब होता है पोस्टमार्टम का. तो पोस्टमार्टम मतलब एक लैटिन फ्रेज से आया है जिसका मतलब होता है आफ्टर डेथ. ओके, क्लियर? पोस्टमार्टम, इट इज अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स आफ्टर डेथ. पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज अ मेडिकल एग्जामिनेशन कैरीड ऑन द डेड बॉडी. ठीक है, किसी भी बॉडी पर एग्जामिनेशन करना आफ्टर डेथ, उसको हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बोलते हैं. इसे हम ऑटोप्सी भी बोलते हैं, विच मीन्स टू सी फॉर वन सेल्फ. इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है कि ऑटोप्सी कौन करेगा, ये बहुत बड़ा डाउट होता है. क्या फॉरेंसिक साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं या साइंटिस्ट हैं या कोई भी है जो फॉरेंसिक साइंस फील्ड से रिलेटेड है, क्या वो ऑटोप्सी कर सकता है? तो आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऑटोप्सी सिर्फ डॉक्टर्स कर सकते हैं एंड नॉट लेफ्ट टू अ मॉर्चरी अटेंडेंट. नॉट इवन मॉर्चरी अटेंडेंट कैन डू ऑटोप्सी, ओनली डॉक्टर्स आर अलाउड. डॉक्टर शुड रिमूव द ऑर्गन्स हिमसेल्फ, अटेंडेंट शुड प्रिपेयर द बॉडी एंड हेल्प द डॉक्टर. सिर्फ वो हेल्प कर सकता है डॉक्टर की, वो ऑटोप्सी नहीं कर सकता है अटेंडेंट. ठीक है, तो सर्कमस्टेंसेस, ऑटोप्सी की ज़रूरत कब पड़ती है? क्या हर डेड बॉडी की ऑटोप्सी की जाती है या फिर किसी की भी मर्जी से ऑटोप्सी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है. क्या होता है कि हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर ऑटोप्सी कंडक्ट की जाती है, ऐसे केसेस में जब सडन, सस्पिशियस या अननेचुरल डेथ हुई हो. ठीक है, विच आर लेबल्ड एज MLC केसेस. MLC केस मतलब मेडिको लीगल केस. जब किसी भी व्यक्ति की एकदम सडन, सस्पिशियस या अननेचुरल तरीके से डेथ होती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रिक्वेस्ट पर ऑटोप्सी की जाती है. तो ऐसे कौन कौन से केस हो सकते हैं? तो पहला तो होता है फायर डेथ, व्हेन बॉडी इज ऑल्टर्ड बाय फायर. कहीं आग लग गई बड़ी सी बिल्डिंग में, कई सारे लोगों की मौत हो गई, उस केस में बॉडी की ऑटोप्सी की जाएगी. सेकेंड इज होमिसाइड्स और एनी केस इन विच अनदर पर्सन इज इन एनी वे अ पॉसिबल फैक्टर इन डेथ. होमिसाइड के केसेस में ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर ऑटोप्सी होती ही होती है. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पर मैं अपने सारे नोट्स, PDF, बुक्स शेयर करती हूँ. साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. हम और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस की बात करेंगे इन विच ऑटोप्सी इज रिक्वायर्ड. सो फर्स्ट वन कम्स इज अपेरेंट सुसाइड्स. सुसाइड अटेम्प्ट करा है जिसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि इसने सुसाइड करा है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, जहां पर हमें सुसाइड लेटर भी नहीं मिला है. और इवन अगर सुसाइड लेटर मिलता भी है और हमें नहीं समझ आ रहा है या क्लियर नहीं है एविडेंस, तो हम उस केस में यहां पर ऑटोप्सी करवा सकते हैं. ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, रेलवे एक्सीडेंट्स हो, उन केसेस में. एयरक्राफ्ट क्रैशेस में. ऑक्यूपेशन रिलेटेड डेथ्स जो होती हैं उन केसेस में. साथ ही में अनविटनेस एक्सीडेंट, जिन एक्सीडेंट्स का कोई सबूत नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं हो रही है, ऐसे एक्सीडेंट्स में भी जो किसी ने देखा नहीं है एक्सीडेंट, अनविटनेस्ड, किसी ने नहीं देखा, ऐसे एक्सीडेंट्स में भी जो है ऑटोप्सी रिक्वायर्ड होती है. नेक्स्ट कम एक्सीडेंट इन विच नेचुरल डिसीज कैन नॉट बी रूल्ड आउट एज अ फैक्टर. जहाँ पर हमें नहीं पता है कि कोई डिसीज की वजह से इसकी मौत हुई है, तब डेथ इन गवर्नमेंट कस्टडी, मान लो जेल में किसी कैदी की मौत हो जाती है, तो उस केस में भी यहाँ पर ऑटोप्सी की जाती है. सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ्स एंड डेथ ड्यूरिंग मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशंस. मान लीजिए किसी का कुछ इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में या कोई सर्जरी चल रही है, उस टाइम पर डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पर भी ऑटोप्सी की जाती है ये जानने के लिए कि उस व्यक्ति की मौत का कारण क्या हो सकता है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ पर्टिकुलर पर्सन.
अब आता है क्वेश्चन, हु परफॉर्म्स पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन. सो दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ओनली डॉक्टर्स हु आर स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेन इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन आर अलाउड टू डू पोस्टमार्टम. और उनको असिस्ट कौन कर सकता है? टेक्नीशियन हु इज स्पेशली ट्रेन्ड फॉर दिस पर्पस. क्लियर है? नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, वेयर इज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कैरीड आउट. पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कहाँ होता है? तो ये हमेशा हॉस्पिटल मॉर्चरी, जिसे हम हिंदी में मुर्दा घर बोलते हैं, हॉस्पिटल मॉर्चरी में ही यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है. बॉडी को रिस्पेक्टफुली रिमूव करेंगे फ्रॉम द प्लेस ऑफ डेथ और कोल्ड स्टोरेज द प्लेस वेयर एग्जामिनेशन विल बी कैरीड आउट. और फिर उसी मॉर्चरी में डॉक्टर विथ हिज असिस्टेंट यहाँ पर पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी को करेंगे. क्लियर? Now, when will the postmortem examination be carried out? कब करना चाहिए? किसी की मौत हुई है तो कितने टाइम तक, कितने टाइम में पोस्टमार्टम कर लेना चाहिए? तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जितने जल्दी से जल्दी होगा, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर डेथ कर लेना चाहिए. यूजुअली 2 to 3 वर्किंग डेज के अंदर यहाँ पर हमें बॉडी में पोस्टमार्टम अगर रिक्वायर्ड है तो कर लेना चाहिए. जितना जल्दी एग्जामिनेशन होगा, अर्लियर द एग्जामिनेशन इज हैंड, मोर चांसेस ऑफ इट यील्डिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन. जितना जल्दी एग्जामिनेशन होगा, उतना जल्दी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उतने जल्दी हमें एविडेंसेस मिलेंगे. तो अगर हम टाइम की बात करें तो हमें, यानी कि डॉक्टर को, लगभग 3 घंटे लगते हैं किसी भी बॉडी का पोस्टमार्टम करने में. ज़्यादा टाइम भी लग सकता है इफ़ केस इज़ वेरी इंटेंस और बहुत माइन्यूट केस से बारीक एविडेंसेस की ज़रूरत है, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सैम्पल्स को फिर हम लैब भेजते हैं. फॉर एग्जांपल विसरा, हमें विसरा है, अगर मान लो पॉइजनिंग का केस है, तो उस केस में विसरा को डॉक्टर क्या करता है, पैक करके और लैब भेज देता है. तो यहाँ पर लैब्स में सेवरल वीक्स लग सकते हैं रिपोर्ट आने में. तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को कितना टाइम लगेगा, ये मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट, अब होता क्या है, कैसे होता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ये हमें जानना ज़रूरी है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रिसीविंग ऑफ रिक्वेस्ट लेटर आएगा कि हमें पोस्टमार्टम कराना है, अलॉन्ग विद इंक्वेस्ट पेपर्स. इंक्वेस्ट पेपर्स क्या होते हैं? इंक्वेस्ट पेपर्स के अंदर ब्रीफ हिस्ट्री स्टेटमेंट, हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट, ये होते हैं इंक्वेस्ट पेपर्स. ये सारे इंक्वेस्ट पेपर्स के साथ में एक रिक्वेस्ट लेटर आएगा डॉक्टर के पास में कि आपको यहाँ पर इस बॉडी का एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करना है. सेकंड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन. अब यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्सन कौन है, किसकी बॉडी है, पूरा बायोडाटा हम उसका निकाल लेंगे हर तरीके से. और एक चीज़ और आइडेंटिफिकेशन में हमें ध्यान रखनी है. पहला तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर हम उसका पूरा बायोडाटा निकाल लेंगे, नाम, पता, उम्र, ठीक है, और सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट द विक्टिम. उसके बाद में ये जो हमने बायोडाटा निकाला है, ये हम उसके दो रिलेटिव्स, ठीक है, बॉडी के जो विक्टिम रहा है, दो रिलेटिव्स या फिर दो फ्रेंड्स के सामने ही कलेक्ट करते हैं. और इनका भी जितना भी डेटा है, चाहे वो रिलेटिव्स हों चाहे वो फ्रेंड्स हों, इन सभी का डेटा भी जो है रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है. इसको हम थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं. मतलब हमें इनके बारे में भी मालूम होना चाहिए कि जिनसे हम साइन ले रहे हैं, जिनके बारे में, जिनसे हम इस बॉडी की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लेना भी ज़रूरी है. इज़ दैट क्लियर? ये आइडेंटिफिकेशन हो गया. थर्ड स्टेप यहाँ पर आ जाता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन. हम बॉडी का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करेंगे. ये इमेज आपको दिख रही है, ये अभी बॉडी को कट नहीं करा गया है, ये बाहर से एग्जामिनेशन हो रहा है इसके क्लोथ्स का, स्टेन्स ऑफ मड, ब्लड, यूरिन, स्टूल एक्सेट्रा. हम आइडेंटिटी देखेंगे, बॉडी ऑरिफेसिस, फिंगर टो नेल्स, कोई इंजरी तो नहीं है, सर्जिकल इंटरवेंशन तो नहीं है, रैगर मॉर्टिस, पोस्टमार्टम स्टेनिंग, डिकम्पोजिशन, बॉडी डिकम्पोज तो नहीं हो रही है कहीं से. एक टर्म यहाँ पे आता है रैगर मॉर्टिस. इसका मतलब क्या होता है रैगर मॉर्टिस का? रैगर मॉर्टिस का मतलब होता है स्टिफनिंग ऑफ बॉडी. बॉडी स्टिफ हो जाती है, कोई भी डेड बॉडी होगी वो एक टाइम के बाद में स्टिफ हो जाएगी. यानी कि मान लो किसी की मौत होती है तो कुछ ही घंटों में आपको सबसे पहले देखने मिलेगा एल्गर मॉर्टिस. कुछ ये टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता रही हूँ. एल्गर मॉर्टिस क्या होता है? एल्गर मॉर्टिस मतलब कि मान लीजिए ये बॉडी है, तो इस बॉडी का पूरा जितना भी ब्लड होगा वो ऊपर से फ्लो होके यहाँ बॉटम साइड आ जाएगा, इधर बॉटम साइड पूरा आ जाएगा. तो ऊपर से कलर लाइट हो जाएगा और बॉडी नीचे साइड डार्क कलर में दिखने लगेगी. दिस इज एल्गर मॉर्टिस. एल्गर मॉर्टिस के बाद में आता है लिवर मॉर्टिस, ठीक है. मतलब कि बॉडी यहाँ पर ठंडी होने लगती है, ठीक है, लिवर मॉर्टिस. यहाँ पर बॉडी कूल होने लगेगी
और तीसरा फिर आता है जो सबसे लास्ट में देखा जाता है, दैट इज राइगर मोर्टिस, बॉडी का स्टिफ होना, मूवमेंट बिल्कुल जैसा हाथ है जैसा पैर है वो वैसे ही रह जाएगा, उसको मूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, दिस इज राइगर मोर्टिस। तो ये तीन सिचुएशंस होती हैं किसी भी डेड बॉडी की, तीन लेवल्स होते हैं, एल्गर मोर्टिस, लेवर मोर्टिस एंड राइगर मोर्टिस, इज दैट क्लियर। अब हम इंटरनल एग्जामिनेशन की अगर बात करें, पहले हमने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कर लिया, अब हम करेंगे इंटरनल एग्जामिनेशन। तो इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन किया जाता है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, बॉडी पार्ट्स को कट करके उनके अंदर एग्जामिनेशन करना होता है, जिसमें 2 से 3 घंटे लगते हैं। बेसिकली हम 3 मेजर कैविटीज़ को ओपन करते हैं, फर्स्ट इज स्कल और क्रेनियम, सेकेंड इज थॉरिक्स, थर्ड इज एब्डोमेन। ओके, अब हम ऑटोप्सी करेंगे कैसे। ऑटोप्सी 2 तरीके से होती है, ब्रॉडली अगर हम इसे डिस्क्राइब करें तो 2 तरीके से होती है, क्लिनिकल ऑटोप्सी जैसे हम एकेडमिक ऑटोप्सी भी बोलते हैं, फॉरेंसिक ऑटोप्सी विच इज ऑल्सो नोन एज मेडिको लीगल ऑटोप्सी। क्लिनिकल ऑटोप्सी इज बेसिकली परफॉर्म्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रिलेटिव्स, ठीक, व्हेन दे हैव डाउट इन द डायग्नोसिस, ठीक है, इफ द पेशेंट डाइड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस एंड रिलेटिव्स हैव डाउट about the cause of death, in that case clinical autopsy is done. What is forensic autopsy or medical legal autopsy? ये की जाती है unexpected, ठीक है, sudden, unnatural, इस तरीके की death में जहाँ पर investigating officer जो है वो उसकी request पर जो है forensic autopsy की जाती है, clear? अब ये कुछ scientists हैं जिन्होंने dissection techniques दी हैं, autopsy dissection techniques, ये मैं किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी कि कितने कितने किस तरीके से डायसेक्शन किया जा सकता है। आई एम नॉट इंक्लूडिंग दिस, आप बस इतना देख लेना कि 4 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग ऑटोप्सी डायसेक्शन टेक्निक्स जो हैं वो बताई हुई हैं, क्लियर। अब कुछ इंसिजन्स होते हैं, इंसिजन मतलब क्या होता है, इंसिजन मतलब कटिंग, कट करना, किसी भी चीज़ को कट करना, इंसिजन लगाना, कट लगाना, उसको हम बोलते हैं इंसिजन, ठीक है। अब ये 3 तरीके का होता है, एक होता है आई शेप्ड इंसिजन, एक होता है वाई शेप्ड इंसिजन और एक होता है मॉडिफाइड वाई शेप्ड इंसिजन, ठीक है। ये है आई शेप्ड इंसिजन, ये यहाँ टॉप से स्टार्ट होगा अप टू द प्यूबिस, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, स्ट्रेट इंसिजन, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई टेढ़ी वेढ़ी लाइन नहीं है, एकदम सीधा कट लगेगा और बॉडी ओपन कर ली जाएगी। दूसरा होता है वाई शेप्ड इंसिजन, ये वाई शेप्ड इंसिजन है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, ये है वाई शेप्ड इंसिजन। इसमें क्या होता है, ईयर के 2 to 3 centimeter पीछे साइड से, बिहाइंड द ईयर अबाउट 2 to 3 centimeter टू बैक साइड कट लगाते हैं हम यहाँ पे, और अप टू सुप्रानेटल नॉच, यहाँ तक हम यहाँ तक उसे कट कर देते हैं, ये है वाई शेप्ड इंसिजन। ये वाई दिख रहा होगा, सब वाई बन रहा है, इसलिए इसको हम वाई शेप्ड इंसिजन बोलते हैं। फिर होता है मॉडिफाइड वाई शेप्ड, यहाँ पे क्लेवाइकल होती है बोन, कॉलर बोन जिसे हम बोलते हैं, तो ये कट लगते हैं, यहाँ कॉलर बोन से स्टार्ट होता है और नीचे तक जाता है, कई बार ये इस तरीके से कर्व शेप में भी लगाया जाता है बिलो द ब्रेस्ट, ठीक है। 2 तरीके से हो सकता है, या तो अबव द निप्पल और बिलो द ब्रेस्ट एंड देन स्ट्रेट टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, क्लियर। तो ये मॉडिफाइड वाई शेप इंसिजन होता है, डिपेंडिंग वेदर इट इज मेल और फीमेल, ठीक है, किसकी बॉडी है उस तरीके से हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। तो ये कॉमन तरीके के इंसिजन्स थे जो आपको याद रखने हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे अगला स्टेप आता है स्पेशल एग्जामिनेशन या फिर टेस्ट एंड रिपोर्ट्स। अब ऑब्वियसली हमने एग्जामिनेशन कर लिया, बॉडी को कट करके हमने ऑर्गन्स निकाल लिए, ऑर्गन्स को हम क्या करेंगे, अब टिश्यू सैंपल्स या ऑर्गन जो भी हैं अब हम उन्हें पैक करेंगे और हम लेबोरेटरीज में भेज देंगे फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये लास्ट स्टेप होता है। फिर उसके बाद में रिपोर्ट्स आएंगी और उसके बेसिस पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब बॉडी अफेक्ट होती है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद में, तो ऑब्वियसली अगर बॉडी में कट लगा है तो उस कट को कवर किया जाएगा, वापस उसको पूरा स्टिच करेंगे, बॉडी को कवर करते हैं। तो डॉक्टर्स बेसिकली ट्राई ये करते हैं कि उनको क्लोथ्स से या हेयर्स से, इन चीज़ों से उसने ढक दिया जाए बॉडी को, जिससे कि वो दिखे ना, इंसिजन्स जो हैं वो विजिबल ना रहें। हाउएवर कई बार क्या होता है कि बॉडी में डेथ के बाद में नॉर्मल चेंजेस आते ही हैं, तो बॉडी का अपीयरेंस चेंज होता है। वो जो मैंने आपको नॉर्मल चेंजेस बताए वो कौन कौन से थे, एल्गर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस एंड राइगर मोर्टिस। ये धीरे 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 बॉडी में चेंजेस जो हैं ये आएंगे ही, इनको चेंज नहीं कर सकते हैं हम, बस हम क्या कर सकते हैं, जो भी इंसिजन्स हैं उनको हाइड कर देंगे बाय यूजिंग क्लोथ और हेयर, क्लियर। तो यही था पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और ऑटोप्सी, मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगी इन सम अदर लेक्चर इन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम डाइसेक्शन टेक्निक्स।
So thank you so much for watching this video. Don't forget to like the video and share the video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.